हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के आ गई हूँ। आप डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे UPGD PGD हो, UPLT ग्रेड हो, MP TET हो, MP SuperTET वर्ग 2-3 हो, बिहार हेयर स्टेट हो, बिहार BPSC फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे अदर स्टेट के TGT PGD हो, KVS NVS हो, UGC NET हो, सभी चीज़ों के लिए मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन एंड बेस्ट क्वेश्चनों का वीडियो प्रैक्टिस है, जो आप पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए, अपना बेहतरीन तैयारी कीजिए। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस कराती रहती हूँ, और डेली बेसिस से मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। सभी चीज़ें फ्री में हैं, तो दोस्तों देर नहीं करिए, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। बिहार या स्टेट का जो एग्जाम है बहुत जल्द होगा, इसलिए आप लापरवाही न कीजिए। एंड MP का एग्जाम चुनाव के चलते हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सस्पेंस में है, बट कब हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। चुनाव के पहले अगर करा देगा तो आप क्या करेंगे, इसलिए तैयारी करके रखिए, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्थ रखिए, जब भी हो आप सक्षम हो उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका यूथ कंपटीशन चैप्टर वाइज का मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से Chapter 2 है स्पोर्ट्स, सोशियोलॉजी, खेल, समाजशास्त्र। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि अंतरंगता, व्यक्तियों का विलयन, आपसी पहचान और साझी भावना कौन से सामाजिक समूह के लक्षण हैं। अपने से सोचिए, ये अंतरंग, व्यक्तियों का विलयन, आपसी पहचान और साझी भावना, ये सभी प्राथमिक समूह यानी कि परिवार प्राथमिक समूह के लक्षण हैं, ठीक है। यानी कि प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप में व्यक्तियों का विलयन, अंतरंगता, आपसी पहचान, साझी भावना, ये सभी गुण पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सकारात्मक खेलकूद माहौल के लिए सही अनिवार्य तत्व है। तो कौन है दोस्तों सकारात्मक खेलकूद के लिए माहौल का अनिवार्य तत्व है। प्राकृतिक जलवायु दशाएं होना चाहिए, समाज की संस्कृति और परंपरा होना चाहिए, अधिकारियों और दर्शकों का रवैया अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, माता पिता और खिलाड़ियों का रवैया और व्यवहार, ये सभी चीज़ें आपके खेलकूद, सकारात्मक खेलकूद के माहौल के लिए आवश्यक हैं। एंड और अनिवार्य तत्व तो क्या है दोस्तों, इसके अलावा आपका होना चाहिए सकारात्मक खेलकूद के प्राइवेट स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट के लिए, पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट यानी कि सकारात्मक खेलकूद के लिए अनिवार्य तत्व तो है स्पोर्ट्स स्टेडियम अच्छा होना चाहिए, खेल उपकरण, प्रशिक्षण उपकरण, सुरक्षात्मक उपकरण खेलों के अनुसार उपलब्ध होने चाहिए, खेल मैदानों के लिए खुला स्थान होना चाहिए, प्राकृतिक जलवायु दशाएं होना चाहिए, खेल अधिकारी और दर्शकों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार सकारात्मक खेल वातावरण के आवश्यक तत्व हैं, खिलाड़ियों और उसके माता पिता की अभिवृत्ति और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, समाज की संस्कृति और परंपरा के अनुसार होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, मैं एक मरीज हूँ, मैं एक डॉक्टर से मिलने गया था जो खुद के कार्यालय पद्धति की मालिक है, इस प्रकार की सेवा को क्या कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए, आप पढ़ लिख करके खुद का एक अपना क्लिनिक खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, तो आपका वो क्या कहलाएगा, निजी चिकित्सा व्यवसायी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, निजी चिकित्सा व्यवसायी कहलाएगा। अब यदि किसी सरकारी संस्था में काम करते तो उनका सरकारी होता, बट स्वयं का खोले हुए तो क्या कहलाएगा, निजी चिकित्सा व्यवसायी यानी कि प्राइवेट मेडिकल प्रोफेशन। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समाज विज्ञान के अनुसार संस्कृति जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज शास्त्र के आधार पर लोगों, समुदाय और मानवीय क्रियाओं का जो समाज के किसी समुदाय एवं संस्था से संबंध होता है तथा अध्ययन करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने संस्कृति के प्रति सजगता के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्न में से क्या महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों, समाजीकरण मतलब समाज होगा, लोग होंगे, उनसे अंतःक्रिया होगी, तभी तो हम उनसे कुछ सीखेंगे, वो हमसे कुछ सीखेंगे, यही तो समाजीकरण है। तो इसमें सामाजिक तौर पर
सामाजिक तौर पर लोगों के बातचीत होना आवश्यक है, जैसे कि समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है, जिसके द्वारा मानव की समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत तथा एक दूसरे के बीच सांस्कृतिक संस्कार से परिचित कराया जाता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, प्रतियोगिता में भी सामाजिक संपर्क होगा, सहयोग में भी होगा, संघर्ष में भी होगा। बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को कहते हैं विनिमय। क्या कहते हैं? विनिमय। यहाँ विनिमय का सिद्धांत यानी कि एक्सचेंज थ्योरी, इस सिद्धांत की व्याख्या पीटर एम ब्लायू जॉर्ज होमन्स द्वारा की गई। इन लोगों ने बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को विनिमय यानी एक्सचेंज कहते हैं, जो इस सिद्धांत के अनुसार तभी संबंध बनाते और कायम रखते हैं जब उनमें यह विश्वास होता है कि उससे मिलने वाला पारितोषिक इसमें लगी लागत से अधिक होगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण, संघर्ष विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है। तो दोस्तों, यह कौन सा होता है? तो सामाजिक नेतृत्व। कौन सा होता है? सामाजिक नेतृत्व। सामाजिक नेतृत्व कहा जाता है, जा सकता है कि नेतृत्व में वह प्रभाव छुपा हुआ है जिसमें नेतृत्व में टीम निर्माण, संघर्ष विघटन और नैतिक विकास पर विशेष ध्यान प्रत्यक्ष रूप से इसका कद बढ़ाता है तथा सामाजिक पहचान मिलती है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा कारक मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक साधक है। तो समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से कौन सा ऐसा व्यक्तित्व का कारक है जो मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक साधक है? तो वो होता है संस्कृति, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से। ठीक है, क्योंकि उसे विरासत से प्राप्त होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन कथन ये है कि खेल और राजनीति एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। क्या क्वेश्चन है? अभिकथन है कि खेल और राजनीति का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बात सही है, राजनीति जिसमें होगा, खेल में अगर राजनीति होने लगी तो खेल अच्छा नहीं होगा। एंड आर उसका तर्क है कि खेल राजनीति को बिगाड़ती है, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। इस प्रकार एक कहा जा सकता है कि ऑप्शन अभिकथन ए जो है वो सही है, परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है, देखिए मिलाइए यहाँ पे। तो चिकित्सकीय मनोरंजन, चिकित्सकीय मनोरंजन कहाँ पर होगा? अस्पताल में होगा। तो ए का थ्री हो जाएगा, तो ए का थ्री कहाँ पर दिया हुआ है? सी में। एंड वाणिज्यिक मनोरंजन जो होगा वह कहाँ पे होगा? वाणिज्यिक मनोरंजन जो है वह मनोविनोद, ये जो मनोरंजन पार्क होता है वो होता है, तो बी का फोर होगा। एंड औद्योगिक मनोरंजन तो एक व्यवसाय के रूप में होता है, तो ये आपका सी का वन हो जाएगा। एंड संस्थागत मनोरंजन स्कूल और कॉलेज में होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि समाजीकरण एक दूसरे के साथ आने तथा परस्पर सामंजस्य के साथ काम करने तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों को निर्वाह करने की प्रक्रिया है। यह उद्धरण यानी यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है बोगार्डस का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करना है द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध आप किसी से कब करेंगे? जब किसी के प्रति गुस्सा हो, ठीक है, तो यहाँ पे गुस्सा आपका राइट हो जाएगा। ए का फोर। नफरत, नफरत यानी आप किसी से घृणा करते हैं, इसका हो जाएगा घृणित, ठीक है। तो यहाँ पे एंड बच निकलना, अगर किसी से डर है तो उसे आप बच निकलेंगे, ठीक है, तो यहाँ बच निकलने का डर हो जाएगा। जोड़ा खाना मतलब प्रेम, एक प्रेम है तभी एक दूसरे के जोड़े में आप रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय स्वास्थ्य आपदा नहीं है। तो दोस्तों, भूकंप है, सूखा है, सुनामी, ये तीनों के तीनों पर्यावरणीय यानी प्राकृतिक आपदा है,
बट जैविक हथियार नहीं है। जैसा कि एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है, भूकंप या भूस्खलन जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है, मानव दुर्बलताओं को उचित योजना और आपातकालीन प्रबंधन का अभाव और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आर्थिक, मानवीय और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों, मनोरंजन शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खोई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना, यानी कि रिक्रिएशन। री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब क्रिएट करना, प्राप्त करना, तो खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना, संतुष्टि और तरोताजा रहना, स्वयं में एक मनोरंजन से पूर्ण जीवन है, मन को आनंदित करना मनोरंजन है। वयस्क आयु प्रारंभ होती है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1 से 5 तक शैशवावस्था होता है, 5 से 11-12 तक बाल्यावस्था होता है, 11-12 से 19-20 तक किशोरावस्था होता है, फिर 19-20 के बाद आपका वयस्क अवस्था आ जाता है। तो यहाँ पे 20 के पश्चात आपका राइट होगा, क्या होगा, 20 के पश्चात, क्योंकि 19-20 के बाद बालक का बालिका, बालक या बालिका प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। यह अवधि कार्य करने की शीर्ष योग्यता की भी निर्धारित करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 याद करिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बीच में पूछ लिया जाता है बीच बीच में, कि भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के मुताबिक 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर व्यक्ति वयस्क हो जाता है। नेक्स्ट है, रिक्रिएशन में यन शब्द से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, रिक्रिएशन में यन शब्द से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे यन शब्द का मतलब होता है नेचर, यानी कि प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक, यानी कि आप समझ सकते हैं रिक्रिएशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों री और क्रिएशन से मिलकर बना है। कई बार ऐसा पूछ दिया था री और क्रिएशन का क्या मतलब है, तो इस शब्द को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आप हल्के में लेते हैं इन चीज़ों को, जिससे ये क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं और एग्जाम में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यह रिक्रिएशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों री और क्रिएशन से मिलकर बना है। री का अर्थ होता है पुनः या फिर, और क्रिएशन का अर्थ होता है निर्माण करना, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनः निर्माण करना, और रिक्रिएशन में यन से तात्पर्य है नेचर, यानी कि प्राकृतिक। नेक्स्ट दोस्तों, सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक धारणा को दिया है अरस्तु ने, ठीक है, सामाजिक धारणा को दिया है अरस्तु ने, और अधिगम सिद्धांत सीखने के सिद्धांत को दिया है थांडाइक ने, अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को दिया है सरप्लस एनर्जी थ्योरी को दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने, एंड बुद्धि लब्धि को दिया है टर्मन ने, और पूर्वानुमान सिद्धांत कार्ल ग्रुस ने दिया है। पूर्वानुमान यानी कि भविष्यदर्शी धारणा एंटीसिपेटिव थ्योरी को कार्ल ग्रुस ने दिया है। मनोरंजनात्मक सिद्धांत दिया है लॉर्ड केम्स एंड GDW पैट्रिक, एंड पुनः अवलोकन धारणा रिकैपिचुलेटरी थ्योरी दिया है जी स्टैनली हॉल ने, एंड मनोविश्लेषण धारणा यानी साइको एनालिटिक थ्योरी को दिया है सिगमंड फ्रायड ने, एंड रेचन विरेचन धारणा यानी कैथेटिक थ्योरी को दिया है अरस्तु ने, सामाजिक धारणा को दिया है अरस्तु ने, सामाजिक धारणा और रेचन विरेचन दोनों को अरस्तु ने दिया है। खेल ही जीवन है धारणा यानी प्ले इज लाइफ थ्योरी दिया है जॉन डीवी ने, और निसर्ग अनुष्ठान धारणा रूसो ने दिया है, एंड संज्ञानात्मक धारणा कॉग्निटिव थ्योरी के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे, अहम विस्तार धारणा लैंज ने दिया है, और सहज प्रवृत्ति धारणा यानी कि इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी दिया है विलियम मैकडूगल ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि खाली समय का सदुपयोग होता है, तो दोस्तों खाली समय में आप क्या करते हैं? पिकनिक करने जाते हैं, ठीक है, सभी दोस्तों से मिल करके, ठीक है, तो खाली समय का सदुपयोग क्या होता है? तो पिकनिक होता है। पिकनिक में खाली समय का सदुपयोग होता है। पिकनिक एक सुनियोजित एवं व्यवस्थित कार्यक्रम होता है, अपने घर या संस्था से बाहर मनोरंजन हेतु किया जाने वाला भ्रमण या यात्रा, इसमें लोग एक साथ नाच गाने और मौज मस्ती आदि करते हैं, वो पिकनिक कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव क्या कहलाता है? तो प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव कहलाता है शिविर। शिविर दो है, प्रकृति में रहकर प्रकृति के
समीप रहने का अनुभव शिविर कहलाता है। शिविर के दौरान प्रकृति का अध्ययन तथा उसके नजदीक से जानने समझने का अनुभव प्राप्त होता है। शिविर एक ऐसा अस्थायी निवास है जो शिक्षात्मक दृष्टिकोण से विद्यार्थी, अध्यापक और अधिकारियों के सहयोग से कुछ दिनों के लिए तैयार किया जाता है। एंड नेक्स्ट कहे दोस्तों कि शिविर की अवधि क्या है, तो शिविर की अवधि क्या है, एक दिवसीय भी होता है, साप्ताहिक भी होता है एंड मासिक शिविर भी होता है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिविर एक ऐसा अस्थायी निवास है जो शिक्षात्मक दृष्टिकोण से विद्यार्थी, अध्यापक व अधिकारियों के सहयोग से कुछ दिनों के लिए तैयार किया जाता है। अवधि के आधार पर शिविर के निम्न प्रकार है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक दिवसीय, त्रिदिवसीय, साप्ताहिक, पाक्षिक शिविर, मासिक शिविर, पाक्षिक मतलब 15 दिन का, मासिक एंड अर्धवार्षिक शिविर एंड वार्षिक शिविर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चीज़ों को करना, चीज़ों को बनाना, प्राप्त करना और सीखना शामिल है, तो एक किसमें शामिल होता है दोस्तों, यह शामिल होता है शिविर में। किसमें शामिल होता है, शिविर में। शिविर के द्वारा व्यक्ति खाली समय का सदुपयोग करना सीखता है। शिविर में चीज़ों को करना, बनाना, प्राप्त करना आदि शामिल होता है। नेक्स्ट कैंप फायर समिति होती है, तो कैंप फायर समिति जो है वह शिविर में होती है, यानी कि शिविर में रहने वाले विद्यार्थियों के मनोरंजन की व्यवस्था कैंप फायर समिति करती है। कैंप फायर का कार्यक्रम शिविर के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा कैंप फायर का आयोजन शिविर के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है, जिसकी अवधि 45 मिनट से 1 घंटा की होती है। एंड नेक्स्ट है मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है, तो जो मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था इंडोर गतिविधियों में भी होती है, आउटडोर गतिविधियों में, चलचित्र में, उपरोक्त सभी में होती है। दोस्तों इंडोर गतिविधियों में, आउटडोर इंडोर गतिविधियों में, आउटडोर गतिविधियों में व चलचित्र में मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है। मनोरंजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सम्मिलित होने वाले को आनंद आता है एवं मन शांत होता है। मनोरंजन सीधे भाग लेकर हो सकता है या कुछ लोगों को कुछ करते हुए देखने में से हो सकता है। मनोरंजन के निम्नलिखित साधन हो सकते हैं, टेलीविजन, चलचित्र, रेडियो, नाटक, नौटंकी, संगीत, नृत्य, डिस्को, कवि सम्मेलन, जादू, सर्कस, मेला, खेल आदि। नेक्स्ट दोस्तों किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें चाहिए क्या चाहिए दोस्तों, आयोजक भी चाहिए, भोजन व्यवस्था प्रबंधक भी चाहिए, उचित समय भी चाहिए, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि शिविर के द्वारा वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि शिविर को बेहतर ढंग से आयोजित किया जाए। एक अच्छे शिविर के आयोजन हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या दोस्तों, आयोजक होना चाहिए, उपयुक्त स्थान का चुनाव करना चाहिए, उचित समय होना चाहिए, चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए, जल, प्रकाश और भोजन की व्यवस्था प्रबंधन होना चाहिए, आने जाने का प्रबंध होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, आवश्यक वस्तुएँ, बजट और नियमों का निर्धारण होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खेल समाजशास्त्र का संबंध है, तो दोस्तों खेल समाजशास्त्र का संबंध किससे है, तो यह समूह के आपसी तालमेल से है। खेल समाजशास्त्र का मतलब किससे है, संबंध है समूह के आपसी तालमेल से है, यानी कि खेल अपनी टीम के सदस्यों एवं विरोधी टीम के सदस्यों के मध्य बातचीत के अवसर प्रदान करता है, जिसे छात्र न केवल स्वयं के हित अपितु अपनी टीम के हितों की वरीयता देता है। अर्थात खेल समाजशास्त्र का संबंध समूह के आपसी तालमेल से है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से इनमें से प्रथम समूह कौन सा है, तो बार बार आप रिपीट हो गया है, प्रथम समूह कौन होता है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से, परिवार होता है। कौन होता है, परिवार होता है, यानी कि दोस्तों समाजशास्त्री विचारधारा के अनुसार परिवार व्यक्ति का प्रथम समूह है, जिसमें वह अनेक सामाजिक रहस्यों को समझता है। परिवार में परस्पर क्रिया के अनेक अवसर मिलते हैं, जिससे आपसी सहयोग, आज्ञा पालन, बड़ों का सम्मान जैसे गुण परिवार में सुगमता से विकसित होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है, तो आम लोगों को प्राकृतिक कैंप जो है सबसे अधिक आनंददायक होता है। कौन से प्रकार का कैंप, प्राकृतिक कैंप, यानी कि शिविर या कैंप का अर्थ एक समूह या का घरों, संस्थानों, छात्रावासों से
बाहर की वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर रहना होता है। आम लोगों के लिए कैंप प्रकृति को नज़दीक से जानने में मदद करती है। प्राकृतिक कैंप सामाजिक गुण एवं आपसी भाईचारे के गुण विकसित करने वाला होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैंप खेल आवश्यक अनुकूल होनी चाहिए, तो किसके अनुसार होना चाहिए? आयु के अनुसार, की लिंग के अनुसार, कि कैंप के वातावरण के अनुसार? नहीं, कैंप खेल आवश्यक अनुकूल होना चाहिए, कैंप प्रतिभागियों के अनुसार, जो उसमें प्रतिभाग ले रहे हैं उन प्रतिभागियों के अनुसार होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों कैंप लगाने के लिए आवश्यक है कि वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, किसी उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, ऐसे ही नहीं लगाया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा कि कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है, या उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। कैसा? उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला, यानी कि शिविर की गतिविधि इस हद तक मनोरंजनात्मक होनी चाहिए कि उसमें भाग लेने वाला अपने संतुष्ट होने के उद्देश्य को पूरा कर सके। शिविर यानी कि शिविर का उद्देश्य शिविर में परिहास के लिए उपस्थित होना, इसमें शिविर में भाग लेने वाला प्रत्येक गतिविधि रुचि एवं आनंद के अनुसार आधार पर निगरानी रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतागिरी के गुण क्या है? नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है, तो नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है दोस्तों कैंप का प्रबंधन करने से। कैंप होगा जिसको एक व्यक्ति को सौंपा जाएगा, तो उससे आपके नेतागिरी या नेतृत्व का गुण विकसित होता है, यानी कि किसी भी समूह या दल अथवा संस्था का संचालन एक योग्य नेता द्वारा ही संभव है। एक कुशल नेता अपनी टीम को तकनीकी युक्तियों द्वारा संचालित करके तथा अपने साथियों का उत्साह वर्धन करके दल को लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास करता है। एक अच्छे नेता में उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी चीज़ें आपके पढ़े हुए थे, तो आई होप कि सभी क्वेश्चंस का आपने राइट आंसर दिया होगा। एंड इसे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।